हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी सपोर्ट करने के लिए। हेटर्स आते कम से कम वीडियो देखने तो आते हैं, और मेरे लिए तो कोई हेटर्स नहीं है। आप अपनी सोच रखते हो। जिसको गलत लगता है वो गलत कमेंट करता है, जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा कमेंट करता है। तो वो सब आपकी अपनी अपनी थिंकिंग है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ज्योति वाला प्रोसेस चल रहा है, ज्योति अभी तक नहीं मिली है। जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि ज्योति अभी तक नहीं मिली है। ज्योति अब तक अपने बच्चों के पास नहीं आई है। पहले 2 तारीख दी गई थी, तो 2 तारीख को ज्योति नहीं आई थी। 3 तारीख दी गई थी, 3 तारीख को भी ज्योति नहीं आई। 3 तारीख, हाँ, और 4 तारीख दी गई थी। 2 तारीख तो उससे पहले कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि 3 तारीख को काउंसलिंग है, तो 3 तारीख को आऊँगी। और 3 तारीख को ज्योति को चोट लग गई, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। तो चोट तो एक बहाना है, क्योंकि चोट तो है नहीं। और जब जो परवीन गया ज्योति के घर पे, तो वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था, तो वहाँ पर भी नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि वो अंदर ही बैठे हुए थे, बाहर से किसी ताला लगवाया हुआ था। तो हो सकता है अभी ऐसा हो, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि ऐसा भी है। और बहुत से लोगों का कहना है कि परवीन जो है, परवीन परवीन गलत है। परवीन की फैमिली देखिए कि आप भी कितनी घटिया फैमिली है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, ज्योति की फैमिली घटिया फैमिली, चलो मैं वो परवीन की फैमिली घटिया फैमिली, चलो मान लिया। लेकिन परवीन में अगर परवीन की गलती है, तो परवीन तो नहीं भाग रहा ना बिल्कुल भी। पता है इसकी चोर दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो ऐसे ही भागता है। कि जब उनकी कोई गलती नहीं है, ज्योति की कोई गलती नहीं है, मानती हूँ ज्योति की कोई गलती नहीं, चलो, तो ज्योति फिर भाग क्यों रही है ऐसे? ज्योति घर वाले क्यों भाग रहे हैं? सामने बैठ के एक दूसरे के साथ फैसला क्यों नहीं करते? जो भी समझौता करना है वो कर ले। ज्योति को किसने जबरदस्ती तो नहीं कहा था ना कि 3 तारीख को घर वालों के पास आना है, ससुराल वालों के पास आना है? किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं करी थी उससे? जैसे मैंने भी कल भी कहा था कि मीडिया वालों ने कोई कनपट्टी पर बंदूक तो रखी नहीं थी कि तुझे यही बोलना है। उसने अपनी मर्जी से बोला था। 2 तारीख भी उसने अपनी मर्जी से रखी थी, और 3 तारीख भी उसने अपनी मर्जी से रखी थी। किसी का कोई दबाव नहीं था उसके ऊपर। तो ये सब बातें तो गलत हैं। अगर परवीन मान भी रहा, उसने भी सारी गलती एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मैंने मारा भी, मैं ड्रिंक भी करता था, मैं जुआ भी खेलता था, लेकिन वो सबको सुधरने के लिए तैयार है, तो फिर कहाँ की प्रॉब्लम है? जब वो सब कुछ मान रहा है कि हाँ, मुझसे गलती होगी। और ये भागने से कब तक किसी चीज़ का सोल्यूशन निकलता तो है नहीं। भागने से कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? और रही ज्योति ज्योति की बात कि एक भाई एक कमेंट भी आता कि गुड़िया ज्योति वहां तक जाएगी अगर परवीन गलत जा रहा है ज्योति के यहाँ पर। ज्योति ना, ज्योति को लोग मार देंगे और कह देंगे कि ज्योति के ऊपर इतनी ज्यादा बदनामी होने की वजह से ज्योति ने आत्महत्या कर ली। तो ज्योति के इल्जाम ऊपर, तो इल्जाम जब आएगा ना अंकल जी, जब ज्योति, जब परवीन को ज्योति मिलेगी, वो इतना बवाल खड़ा करवाए क्यों रहे हैं ये बताओ? जब उनको पता है परवीन उसको ढूंढ रखने के लिए तैयार है, तो वो अपनी लड़की का घर बसने क्यों नहीं दे रहे? इल्जाम ज्योति के ऊपर क्यों आएगा, परवीन के ऊपर क्यों आएगा, जब हम सबको पता है कि अगर वो मरेगी तो उसके घर वाले मारेंगे? हम सब लोग खड़े हैं परवीन के साथ। ऐसा थोड़ा ना कि परवीन अकेला है। परवीन कैसे मार दिया? अगर परवीन की गलती होती तो वो मीडिया वाले के सामने क्यों आता, क्यों सारी बात रखता? वो लोग क्यों भाग रहे हैं, वे सारी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? जैसे कि एक भाई ने कहा कि अपने घर वालों से धंधा, ज्योति से धंधा करवाएंगे, तो हर कोई कह रहा है, सबको लग रहा है, जब तू अपनी लड़की को नहीं भेज रहे हो, सबको लग रहा है। आप लोग मुझसे बड़े हैं, बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र में बहुत बड़े होंगे, लेकिन हमारी शादी को भी 10 साल हो गए हैं। मुझे भी मतलब ऐसा नहीं कि हम छोटे से बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है 10 साल का, कि घर जो होता है वो ससुराल ही होता है। बताओ आप उस लड़की का करोगे क्या, मुझे तो बताओ, जो उसकी मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी, आप मुझे बताओ आप उसका करोगे क्या? आप ये तो रहे कि हाँ भाई, चलो थोड़ी हेल्प करके परवीन की, उनका घर बसवा दे, दोनों हंसी खुशी रहें, कोई दिक्कत नहीं हो, छुपते फिर रहे हो, हो उस परवीन की टेंशन बढ़ा रहे हो, उसके बच्चों की टेंशन बढ़ा रहे हो। बच्चे कहीं पीछे से लाए था कि परवीन, ज्योति के बच्चे नहीं है क्या वो? जब तुम्हें नहीं भेजना था, तुम्हें दिख रहा था कि ज्योति, परवीन का घर बेकार है, परवीन घटिया आदमी है, और हमारी लड़की को भगा लिया। जब कहाँ मर रहे थे आप लोग? जब आपकी आँख कहाँ फूट रही थी? जब आपकी लड़की भाग के शादी कर रही थी और अफेयर चला रही थी, जब क्यों नहीं रखा उसे घर में? अगर तुम इतना ध्यान पहले से लेते अपनी लड़की पर कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, किसी लड़के के साथ भाग गई है, कोर्ट मैरिज कर ली है, अगर जब इतना ध्यान रख लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जब तुम्हारी आंख फूट रही थी तो क्या कहे, तुम अच्छे माँ बाप नहीं हो? ऐसे होते अच्छे माँ बाप जो मतलब लड़की भाग गई, शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, जब तो उसका ध्यान रखा नहीं गया।
अब दो बच्चों की माँ बन गई, अब उसको ध्यान रख रहे हो, उस घर में बंधक बना के रख रहे हो, तो अब उसकी किस बात की सजा दे रहे हो तुम बच्चों को? जो कल को तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा होने लग जाए फिर क्या करोगे? जो तुम्हारे लड़के की बहू भाग जाए, अपने घर रहने लग जाए और वो बच्चे तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली जाए, जब क्या करोगे? और हे ज्योति को बंधक बना रखा, अरे भाई बंधक जब तो उससे जब उसे अपने घर वाले नहीं दिखे, जब वो भाग के कोर्ट मैरिज कर रही थी, अब उसे अपने घर वाले दिख रहे हैं, अपने बच्चे नहीं दिख रहे कि 9 महीने पेट में रख के पाले रखे होंगे और फिर उन्हें पैदा भी किया होगा। ये कहते हैं बच्चा पैदा करने में ना एक औरत के पूर्ण जन्म होता है, एक होता दूसरा जन्म होता है, ठीक है, और वो बच्चों को छोड़ के पड़ी है। तो मैं सीधे उसके माँ बाप से पूछती हूँ कि अंकल आंटी क्यों इनका जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्यों बच्चों की लाइफ बर्बाद करने में तुले पड़े हो, क्या किसी अच्छे घर, चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम ज्योति की शादी करो, चलो बिना डिवोर्स के शादी कर लोगे, जब तक परवीन डिवोर्स नहीं देगा जब तक शादी कर लोगे क्या उसकी, या फिर उसे बेचोगे कहीं? मुझे लगता नहीं कोई अच्छे घर का लड़का तो उसे रखेगा नहीं। या आपको लगता है कोई अच्छे घर का किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी, किसी अच्छे घर का लड़का उसके साथ शादी कर लेगा ये सब कुछ देखने के बाद, जब अपने बच्चों को छोड़ सकती है, जिससे प्यार करा, जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया उसको छोड़ सकती है, तो क्या जिसके साथ उसकी आप शादी कराने की सोच रहे हो उसको उसको नहीं छोड़ेगी? और क्या अमीरी गरीबी, हमने तो ऐसे देखा है कि रोड पे पड़े होकर भी करोड़पति बन जाते हैं जब मेहनत करते हैं ना, आपको तो ये होना चाहिए था कि उन दोनों का साथ देते, उनकी कुछ हेल्प करते, उसका कुछ बिजनेस चलवाते, दोनों बच्चों को रखते, कहीं अच्छा घर, जब वो कहीं अच्छा जॉब करता, अच्छे सैलरी आती, अच्छे पैसे कमाता, तो कहीं अच्छी जगह घर भी लेता, और 4 साल से क्या खुआ प्यार नहीं रहा ज्योति को? और रही आपको लगता है ज्योति को खाने को दे रहे, पीने को दे रहे, एक सवाल ये भी था ना जो उसका फैमिली वाला मिला था, अब मुझे बताओ तो आप क्या कहता, वो लगता है ऐसे कल से ज्योति को कुछ खाने को मिलता है? अब तो मुझे एक बार बताओ, मेरे घर में, मैं अपने बताती हूँ, मेरे घर में ना मेरी जिठानी है, ना मेरी दुरानी है, ना मेरी सास है, मैं अकेली हूँ। और जो मेरी पहली वीडियो देखते हो देखते हैं हमारे घर कितनी सारी गाय भैंसे हैं, ठीक है, खूब घी होता है, खूब दूध होता है, फिर भी देखो मेरे से कल से लगता है कि मुझे कुछ, फिर तो मुझे मैं ही बोल दूँ, मुझे बोल दो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, और जबकि मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं किसी चीज़ की भी, तो अंकल फेस से और सिकल से लगता है कुछ खाने पीने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी के शरीर में लगता है किसी के शरीर में नहीं लगता है, और खाने पीने को नहीं मिल रहा तो आप वहां रखो ना उसकी, परवीन की कुछ हेल्प करो ना। और बच्चों से क्या दुश्मनी, चल परवीन से दुश्मनी होगी ठीक है, परवीन सारा गलत हो गया, लेकिन बच्चों से क्या दुश्मनी है ये बताओ? बच्चे पैदा करने से पहले नहीं तुम अपनी लड़की को अपने घर रख सकते क्या? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हो, क्यों किसी का घर बर्बाद करने पे तुले पड़े हो? या फिर दुनिया आपको गाली दे रही है, आपको अच्छा लग रहा है? वो बेचारा 2-2 दिन के बच्चे सड़क पर लेकर भागता फिर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी वहां जा रहा है, वो छोटे बच्चे, इतनी ठंड हो रही है, क्या उनको ठंड लग रही होगी? कुछ तो आंख खोलो, कुछ तो शर्म करो, छोटे छोटे जो तुमसे कम उम्र में है वो तुमको समझाने लग रहे हैं, ठीक है, तुम तो माँ बाप को, तुम्हारा तो ये कर्म था कि तुम उन्हें बिठाते, पास बिठाते, समझाते, उनकी हेल्प कराते, जो हो गया सो हो गया, आगे से समझाते कि आगे से ये गलती मत करना, जो हो गया है सो हो गया है, अपने बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन क्या है, अरे ज्योति को लेके भाग गए, किस चीज में लेके भाग गए, क्यों लेके भाग गए, क्या गलती है आप लोगों की? कोई गलती नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते, सामने आके क्यों नहीं बताते? वो बोलता है हमारे 14 साल की लड़की को भगा लिया, अरे भाई 14 साल की लड़की की कोर्ट मैरिज कैसे होगी फिर? कोर्ट ने शादी करा कैसे दी 14 साल की थी वो, और कौन सा गोबर खाती है, क्यों अकल नहीं है अच्छे बुरे की अपने कुछ भी? तो सारी गलती ना ज्योति के माँ बाप की है। अगर ज्योति को, ज्योति की अगर डेथ होती है, ज्योति अगर, ज्योति कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार परवीन नहीं होगा, ज्योति के माँ बाप होंगे, ठीक है, उसका जम क्रांत के आप पे आएगा, आप मारोगे अपनी बेटी को, और आप एक जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे, आप तीन तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अकल हो ना घर की, तो इस सब को छोड़कर और अपनी घर बेटी का घर बसा लो, ठीक है, उसमें ही फायदा है, ये लुकने छुपने से कोई फायदा नहीं है। परवीन की गलती है, उससे बात करो, बिठा के आपस में दोनों बात करो, समझाओ, लेकिन ये कुछ नहीं होता कि हम तो अपनी लड़की को लेके ही भाग गए, कहाँ लेके भाग गए भाई, कैसे चोट लग गई उसको उस दिन, कैसे चोट लग गई, उससे पहले कैसे ठीक थी वो? और जब ज्योति मीडिया वाले के सामने आए थे, जब कहाँ मर रहे थे तुम, जब मेरे को कहा ज्योति को मीडिया वालों के सामने मत जाओ, ये मीडिया वाले जबरदस्ती घर में से निकाल के लिए आए थे, चले इंटरव्यू दे और बोल 3 तारीख को आऊंगी, जब वो भागी थी ना, तो जब तुम्हारी आंख खुली ना, तो जब तुम्हें पता चला तुम्हें जब ना, तो तुम जब माँ बाप बने, और जब उसने इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को, जब ना जब
ना ही जब माँ बाप बने तुम अच्छे, और ना ही जब तुम्हें पता चला कि वो इंटरव्यू देने जा रही है ना भागने का मालूम चला उसे, अब मालूम चले जब दो बच्चे पैदा कर दिए अब परवीन बुरा हो गया, अब उसे घर बिठा के रख लो। तो मैं तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर एक किसी नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर ज्योति का कुछ भी होता है ना तो उसकी जिम्मेदार अंकल आंटी आप होंगे, परवीन नहीं। ठीक है, मत किसी की जिंदगी बर्बाद करो, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ मत किसी की जिंदगी बर्बाद करो, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ अब भी, मत जिंदगी बर्बाद करो। ज्योति परवीन को मिला दो, भेज दो ने एक जगह, ठीक है। और नहीं मिल सकते तो बच्चों को ले जाओ, कम से कम बच्चों को जिंदगी खराब मत करो, बच्चों को ले जाओ, अपने बच्चों को वहीं पाल लो, सारा खर्चा परवीन दे देगा।